हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है एक नई वीडियो के साथ आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रॉपर्टी में। फ्रेंड्स, आप भी अब जो वीडियो को देखिए, अगर फ्रेंड्स आप भी अपना खुद का सॉन्ग से मेरे जैसा लव लिरिक्स स्टडी स्टूडियो को एडिटिंग करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स बनी रही स्टूडियो में और देखिए कि कैसे मैं स्टूडियो को एडिटिंग किया है। बहुत ही ईजी एडिटिंग वीडियो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते हैं तो बहुत ही आसानी से आप मेरे जैसे वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप इसमें अपना खुद का फोटो को एडजस्ट करना चाहते हैं तो अपना खुद का फोटो से भी इस तरह का वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कि कैसे आप जैसा लिरिक्स वीडियो के साथ अपने खुद के फोटो से वीडियो को एडिटिंग कीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरे जैसे वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या ऐप की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम फ्रेंड्स एलाइटमोस है। अगर फ्रेंड्स आपके पास एलाइटमोस ऐप नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, अन्यथा फ्रेंड्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फ्रेंड्स वहाँ पे आपको फ्री वाले वर्जन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स एलाइटमोस को ओपन करने के बाद देखते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको दो एडिटिंग मटेरियल लिंक मिलेगा। सबसे पहले आपको ऑल एडिटिंग मटेरियल लिंक मिलेगा, उस लिंक को टच करने के बाद आप मेरा वेबसाइट पे आ जाइए। इसके बाद फ्रेंड्स वहाँ पे एक बिटमार्क का लिंक मिलेगा, उसको आपको सबसे पहले इम्पोर्ट कर लेना है। इसके बाद आपको एक इफेक्ट का लिंक मिलेगा, उसको भी आपको इसमें इम्पोर्ट कर लेना है। चलिए हम आपको प्रोसेस बताते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बिटमार्क का लिंक मिलेगा, आपको सबसे पहले इस तरह से टच करने के बाद आपको डाउनलोड कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, इसके बाद डायरेक्ट आपका एलाइट मोशन पे ओपन हो जाए। इसके बाद इंपोर्ट का जो ऑप्शन दे रही है इसको टच कीजिए। इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड लेगा। डाउनलोडिंग लेने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं सॉन्ग मेरा इसमें लगा हुआ है और सॉन्ग के बेस के साथ इसमें मार्क लगा हुआ है। देख सकते हैं बिट मार्क लगा हुआ है। आपको सिंपली इसमें लिरिक्स को एडजस्ट करना है, फोटो वगैरह को एडजस्ट करना है जिस फोटो पे आपको वीडियो को एडिटिंग करना है। या तो फ्रेंड्स अगर आप खुद के सॉन्ग से अगर आप वीडियो को एडिटिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे सॉन्ग को चेंज कर लीजिए फ्रेंड्स और बिट मार्क कर लीजिए। थोड़ा सा इसमें हम प्रोसेसिंग बता रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बहुत ही आसानी से आप मेरे जैसे वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको इसमें दो फोटो की जरूरत पड़ेगी। अपना फाइल से फोटो को ले लीजिए जिस फोटो पर वीडियो को एडिटिंग करना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स हम फर्स्ट इमेज को ले लिए। इसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन में जाने के बाद इसके बाद इसको टच कीजिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करने के बाद फिर इसको टच कीजिए, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद फिर बैक आ जाते हैं और फिर प्लस का आइकन में जाने के बाद एक इमेज को और सेलेक्ट कर लेते हैं। इस इमेज को लेने के बाद फिर से प्लस का आइकन दे इसको टच करते हैं। इसके बाद फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन में जाने के बाद इस इमेज को एडजस्ट कर लेते हैं और फ्रेंड्स यहाँ पे इसको टच करने के बाद इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। अपने अनुसार से फ्रेंड्स जो इमेज पे आप वीडियो को एडिटिंग कीजिएगा उस तरह से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स जहाँ तक मेरा सॉन्ग है वहाँ तक आने के बाद देख सकते हैं इस तरह से इमेज को टच करना है। इसके बाद इसको टच कीजिएगा, देखिए इमेज आ गया है फर्स्ट वाला। इसके बाद सेकेंड वाले इमेज को भी सेम प्रोसेस करना है। फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने में तो फ्रेंड्स नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करें। या तो फ्रेंड्स आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, फ्रेंड्स वहाँ पे भी आप हमें डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ प्लस के आइकन में जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं आपको एक शेप को सेलेक्ट कर लेना है। ये देख सकते हैं स्क्वायर शेप जो दे रहा है इसको आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसको टच करना है, इसको इस तरह से टच करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, देख सकते हैं जिस तरह से हम कर रहे हैं। इसके बाद आपको जो 100 का ऑप्शन दे रहे हैं इसको टच करना है। इसके बाद इसको इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद कलर एंड फील का जो ऑप्शन दे रहे इसको टच कीजिए। इसके बाद यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। देख सकते हैं इस तरह से एडजस्ट कर लेना है आपको। इसके बाद आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी का जो ऑप्शन दे रहा है इसको टच कीजिए। इसके बाद लाइटिंग का जो ऑप्शन दे रहा है इसको टच करने के बाद स्क्रीन का जो ऑप्शन दे रहा है इसको टच कीजिए। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा इमेज देखने में लग रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसका डुप्लीकेट एक कर लेना है।
देख सकते हैं इस तरह से डुप्लीकेट करने के बाद आपको एक टच करना है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन ही जाने के बाद इसको नीचे कर दीजिएगा और इस तरह से रोटेट कर दीजिएगा और फिर आपको इसको टच करना है और थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा देखने में लग रहा है। इसके बाद फिर से आपको लास्ट में आ जाना है। इस तरह से लास्ट में आने के बाद फिर से आपको इसको टच करना है, इसको टच करने के बाद फिर इसको टच कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स सेम प्रोसेस आपको इसमें भी करना है। अब देख सकते हैं कितना अच्छा देखने में लग रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एक और जो लिंक दिया हुआ है इफेक्ट वाला, उसको भी सबसे पहले आप एलाइट मोशन पे इम्पोर्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसको इम्पोर्ट करके रखे हैं तो उसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से आपको इसको टच करना है। इसके बाद सेलेक्ट ऑल लेयर का जो ऑप्शन दे रहा है इसको टच कीजिए। इसके बाद कॉपी टू लेयर का जो ऑप्शन दे रहा है इसको टच कीजिए। इसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फ्रेंड्स जहां पे आप वीडियो को मतलब एडिट कर रहे थे उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको देख सकते हैं इसको टच करना है। इसको टच करने के बाद पेस्ट टू लेयर का जो ऑप्शन दे रहा है इसको टच कीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा लिरिक्स आ गया है, मतलब टेक्स्ट आ गया है। यहाँ पे अभी हमको सॉन्ग का मतलब टेक्स्ट को लिखना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सेकेंड बीट पे आ जाना है। इसके बाद फिर से आपको इसको टच करना है, फिर पेस्ट टू लेयर का जो ऑप्शन दे रहा है इसको टच कीजिए। देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरह से मेरा कलर इफेक्ट के साथ मतलब टेक्स्ट लिखा हुआ है। हम आपको इसमें एडजस्ट करने के लिए बताएंगे लिरिक्स को। तो चलिए फटाफट हम इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से टच करना है। इसके बाद आपको इसको टच करना है, इसको टच करने के बाद आपको इसको टच करना है। इसके बाद इस तरह से बढ़ा दीजिएगा। इसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फ्रेंड्स फिर से आपको इसको टच करना है। इसके बाद फिर से इस आइकन को टच करने के बाद इस तरह से बढ़ा दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स इसको टच करना है, इस तरह से हल्का सा एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद फिर से आपको सेकेंड वाला में आना है, फिर इस एरो को टच कीजिए। इसके बाद फिर इसको टच करने के बाद इसको इस तरह से बढ़ा दीजिएगा। फिर आपको सेम प्रोसेस करना है इसको टच करने के बाद। इसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको यहां पे आने के बाद एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम दो लिरिक्स को आपको लिख के दिखाते हैं कि किस तरह से आपको एडजस्ट करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स सॉन्ग को बोल को आप प्ले करके देख लीजिए, जो आपका बोल है उस तरह से आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। या तो फ्रेंड्स अगर आपको सॉन्ग का बोल समझ में नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स आप कोई भी ब्राउजर में जाइएगा और सॉन्ग का बोल को लिख के आप सॉन्ग लिरिक्स लिखिएगा, आपके सामने लिरिक्स सॉन्ग का लिरिक्स आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स हम कॉपी करके उसको रखें तो चलिए सबसे पहले हम उसको कॉपी कर लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से हम इसको कॉपी करके रखे हैं नोटबुक पे, तो हम इसको इस तरह से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद फ्रेंड्स इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ देख सकते हैं इसको टच करने के बाद एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे हम इसको कट कर देते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा
और फ्रेंड्स यहाँ रोबोट एंड वीडियो की जो ऑप्शन दे रही है इसको टच करने के बाद यहाँ से अपना फ़ोन को सेलेक्ट कर लीजिए जिस फ़ोन पे आपको वीडियो को एडिटिंग करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ोन मिल जाते हैं फ्रेंड्स, जो फ़ोन पे आपको वीडियो को एडिटिंग करना है वो फ़ोन को सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ टिक का निशान दे रहे इसको हम टच करते हैं। ये साइज़ थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, इसको हम और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स फिर सेकेंड वाला को टच करना है, देख सकते हैं इसके नीचे वाला को, और फिर हम टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। और सिंपली यहां पे हम पेस्ट कर देते हैं, इसको कट कर देना है और यहाँ पे फोन को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हमको व्हाइट जो हम ये इमेज लिए इस पे एडजस्ट करना है, इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स सेम प्रोसेस आपको इसमें भी करना है। चलिए हम सेकेंड टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। और यहां पे सिंपली हम पेस्ट कर देते हैं। और यहां पे फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं। इसको टच करने के बाद इसको इस तरह से हल्का सा एडजस्ट कर लेते हैं। सेम प्रोसेस फ्रेंड्स आप जितना यहाँ पे देख सकते हैं पिट मार्क लगा हुआ है सब में इसी तरह करना है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे प्ले करके दिखाते हैं कैसा बना हुआ है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा दिखने में लग रहा है। इस तरह फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से आप मेरे जैसे वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स प्लस का आइकन में जाना है, इसके बाद मीडिया का ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ जाने के बाद हम अपना फाइल से एक लाइट इफेक्ट टेम्पलेट वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स वीडियो को टच करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में जाने के बाद इसको टच कीजिए। इसके बाद इसको फुल स्क्रीन पे कर लीजिएगा। इसके बाद आपको बैक आ जाना, बैक आने के बाद ब्लेंडिंग का जो ऑप्शन दे रहा है इसको टच करने के बाद लाइटिंग का जो ऑप्शन दे रहा है इसको टच कीजिए। इसके बाद स्क्रीन का जो ऑप्शन दे रहा है इसको टच कीजिए। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा मेरा वीडियो बन गया है। इससे फ्रेंड्स आप बहुत ही आसानी से मेरी जैसे वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स पूरे वीडियो एडिटिंग करने के बाद यहाँ एरो का ऑप्शन दे रहा है, इसको टच करने के बाद यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन दे रहा है। इसको टच करने के बाद फ्रेंड्स आपका वीडियो एक्सपोर्ट होने के लिए चालू हो जाए।